बिहार। जैसे कि आप जानते ही हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में बिहार या बिहारियों का एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है और अलग अलग देशों में बिहारियों का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन बिहार में कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसी चीजों का जन्म हुआ है जिनके लिए भारत और भारत के लोगों को फख्र महसूस करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी बिहार के बारे में कुछ खास बातें। इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि बिहार एक गरीब राज्य है और यहाँ की गरीबी की सबसे बड़ी वजह है भ्रष्टाचार और यहाँ की बढ़ती आबादी। बिहार की कुल आबादी लगभग 10.5 करोड़ है और आबादी की तरफ से बिहार भारत में 3रे नंबर पर आता है, लेकिन एशिया की तरफ से बिहार स्थान भारत में 13वें नंबर पर आता है। इसलिए बिहार के हर एक स्क्वायर मीटर पर 1100 से अधिक लोग रहते हैं। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहां की कुल आबादी पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा बढ़ी है और यह कारण है बिहार में कुल आबादी का 33% लोग गरीब रेखा से नीचे पाए जाते हैं और यहां का आदमी प्रति आय भारत में सबसे कम सालाना सिर्फ 33,000 है। भारत के ज्यादातर बिहारी लेवल को अन्य कल्चर बताते हैं, इसलिए बिहार वो राज्य है जो एक समय पे पूरी दुनिया को संस्कृत सिखाया करता था और बिहार की नीलिंदा यूनिवर्सिटी में पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने आते थे। यह बात सच है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार शिक्षा के मामले में भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और यहाँ पर शिक्षित की हार 63% है। लेकिन बिहार वो राज्य है जहाँ से भारत का 1/4 IPS ऑफिसर निकले थे। बिहार के सिनेमा में बिहार का गुंडा वाली छवि दिखाई जाती है, जबकि प्राचीन बिहार ही दुनिया का पहला राज्य था जिसे लोकतंत्र की शुरुआत की। यह कहा जाता है बिहार के लोग बात बात पर मारपीट करते हैं, लेकिन बिहार ही हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहाँ से शांति का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया गया और यही वो जगह है जहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत हुई। बिहार वो राज्य है सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और सिखों के पवित्र स्थानों में से एक हर मंदिर तथा पटना में स्थित है। बिहार में स्थित मंडेश्वरी मंदिर भारत का सबसे पुराना मंदिर है। बिहार में स्थित शेरशाह सूरी टॉम्ब और मैनेश्वरीफ में मुगल आर्किटेक्ट डिजाइनों का बेहतरीन नमूना देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में बिहार सामाजिक आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में काफी मात्रा में सुधार आया है। ये थी SM News रिपोर्ट।